राजकुमारियों का जादुई स्विमिंग पूल। इंदिरा एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। इंदिरा की एक छोटी बहन थी, उसके बहन का नाम था गायत्री। इंदिरा और गायत्री राजा रतन सिंह की दो बेटी थी। राजा अपनी दोनों बेटी से बहुत प्यार करते थे। दोनों राजकुमारियां देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन सभी लोग गायत्री से ज्यादा इंदिरा को पसंद करते थे, क्योंकि इंदिरा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सारे काम में भी अच्छी थी। इसीलिए सभी लोग गायत्री से ज्यादा इंदिरा को पसंद करती थी। ये सब कुछ गायत्री को पसंद नहीं था, वो भी इंदिरा के जितने ही प्यार पाना चाहती थी। उसे हमेशा लगता था इंदिरा की वजह से उसे अपने हिस्से का प्यार नहीं मिलता है। एक दिन इंदिरा और गायत्री के राजमहल में उनकी एक रिश्तेदार औरत आती है और वो सबको एक साथ बैठाकर बोलती है, सुनिए राजा रतन सिंह और रानी, मैं आपकी बड़ी बेटी इंदिरा के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। हमारी पास की राज्य की राजकुमार है, वो भी शादी लायक हो चुके हैं। मैंने सुना है उनके लिए लड़की ढूंढ रही है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी बड़ी बेटी इंदिरा के साथ राजकुमार की शादी हो जाए। अरे ये तो बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम भी हमारी राजकुमारी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही है। एक बार इंदिरा की शादी हो जाए उसके बाद हम गायत्री की भी शादी कर देंगे। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं इस रिश्ते से। इंदिरा भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी एक राजकुमार से होने वाली थी। लेकिन ये बात जब गायत्री को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करती है और अपने कमरे में जाकर गायत्री मन ही मन सोचती है, इसकी किस्मत तो मुझसे हमेशा ही अच्छी है। अब ये राजकुमार से शादी करेगी और मैं यहाँ पर पड़ी रहूँगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कुछ न कुछ करूँगी जिससे उसकी शादी राजकुमार से न हो सके। इतना अच्छी राजकुमार से शादी तो सिर्फ मेरी ही हो सकती है। ऐसे ही सोच के गायत्री प्लान बनाने लगती है। अगले दिन सुबह उठ के राजकुमारी इंदिरा बाहर घूमने जाती है। तभी गायत्री अपने मुंह में एक काला कपड़ा बांध के उस पर हमला कर देती है और बिना कुछ कहे इंदिरा को मारने लगती है। बहुत देर तक मारने के बाद इंदिरा बेहोश हो जाती है। उसके बाद गरम कोयला उठा के गायत्री इंदिरा के मुंह पर डाल देती है और इंदिरा का मुंह पूरी तरह से जल जाता है। इंदिरा बहुत रोने लगती है। ये सब कुछ देखकर गायत्री खड़े होके हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इंदिरा जब घर आती है तो उनके माता पिता ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और गायत्री भी वहाँ पर आकर झूठ मूठ का नाटक करती है। अरे ये कैसे हो गया, मेरे बहन पर किसने हमला किया है, किसने इतनी बुरी तरह से पीटा है। पिताजी आपको पता करना ही पड़ेगा कि कौन जालिम है जिसने मेरे बहन के साथ ऐसा किया। कुछ दिन बाद जब लड़के वाले इंदिरा को देखने आते हैं, लेकिन लड़के वाले जब इंदिरा को इस हालत में देखते हैं, उसके मुंह में जलने के दाग था। तब वो लड़के वाले इंदिरा को पसंद नहीं करते हैं और इंदिरा के माता पिता को बहुत सारे बात सुनाने लगते हैं। तभी चालाकी से वहाँ पर गायत्री चाय लेकर जाती है। गायत्री को देखकर वो लड़के वाले उसे पसंद करते हैं। राजकुमार के माँ बोलती है, राजकुमार देखो तो इंदिरा की बहन गायत्री कितनी खूबसूरत है, चलो हम इंदिरा को छोड़ के तुम्हारी शादी गायत्री से कर देते हैं। ये सुन के राजकुमार भी खुश होता है। राजकुमार गायत्री को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद राजा रतनलाल और उनकी रानी को भी
कोई परेशानी नहीं होती है। वो सब लोग मिलकर गायत्री के साथ राजकुमार की शादी की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखकर राजकुमारी इंदिरा को बहुत दुख होता है। वो सोचती है, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मैं इतनी बदसूरत लगती हूँ देखने में कि अब कोई भी राजकुमार मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। ऐसे ही इंदिरा उदास होकर रोने लगती है। कुछ दिन बाद बड़े ही धूमधाम से राजकुमारी गायत्री और राजकुमार का शादी हो जाता है। बहुत बड़ी आयोजन होते हैं, लेकिन इंदिरा खुश नहीं थी। वो अपने बहन के लिए खुश थी, लेकिन खुद के लिए उदास थी। शादी के बाद गायत्री जब राजमहल जाती है राजकुमार के साथ, तो वो बहुत खुश थी। वो जैसे चाहता था वैसा ही हो चुका था। वो अब राजकुमार के साथ शादी कर चुकी थी। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद राजकुमारी इंदिरा से मिलने के लिए एक बहुत सुहानी सहेली आती है। उसकी सहेली आकर उसके मुंह में ये जले हुए दाग देकर बहुत ही उदास होती है। उसके बाद उसकी सहेली उससे पूछती है, इंदिरा ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया। तुम तो देखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये सारे जलने के दाग कैसे आ गई। अपने सहेली को वो अपने साथ हुई हादसे के बारे में बताती है। सब कुछ सुनकर इंदिरा की सहेली बोलती है, उदास मत हो इंदिरा, मेरे पास एक उपाय है। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी के बीच एक जादुई स्विमिंग पूल है। आकर उस स्विमिंग पूल के पास तुम जाओगे और अपना ये सारी कहानी बताओगे, तो वो स्विमिंग पूल तुम्हारी जरूर मदद करेगा। मुझे पता है तुम सब दिल की लड़की हो और अच्छे लोगों की मदद हमेशा ऊपर वाला करता है, चलो मेरे साथ। इंदिरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इंदिरा उसकी सहेली के साथ जाने लगती है। पहाड़ी के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल देखकर उसकी सहेली बोलने लगती है, सुनिए जादुई स्विमिंग पूल, ये मेरी सहेली राजकुमारी इंदिरा है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसके मुंह पर किसी ने जलते हुए काला फेंक दिया था, इसके कारण उसका मुंह जल चुका है। क्या आप उसे पहले जैसा खूबसूरत बना सकती है। अच्छा तो ये बात है, मैं अपनी जादुई शक्ति से देख लिया है, राजकुमारी इंदिरा बहुत एक अच्छी लड़की है। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करती है और इसलिए मैं राजकुमारी की मदद करूंगी। राजकुमारी जाओ मेरे जादुई स्विमिंग पूल के अंदर नहाना शुरू करो, नहाते ही तुम पहले जैसे बन जाओगे। उसके बाद राजकुमारी इंदिरा जादुई स्विमिंग पूल के अंदर डूब लगाने लगती है। उस जादुई स्विमिंग पूल में नहाते ही राजकुमारी इंदिरा पहले की जैसी खूबसूरत बन जाती है। उसके बाद इंदिरा स्विमिंग पूल को धन्यवाद देती है। सुनो राजकुमारी इंदिरा, ये है जादुई तलवार, ये तलवार लेकर जाओ। अगर कोई तुम पर फिर से हमला करेगा तो ये तलवार तुम्हारी रक्षा करेगा। राजकुमारी इंदिरा फिर राजमहल वापस आ रही थी, तभी एक बहुत ही अमीर राजकुमार उसे देख लेता है और उसे पसंद करके शादी के लिए पूछता है। इंदिरा भी खुश होती है और शादी के लिए राजी हो जाती है और पूरे राजमहल में शादी की तैयारी होने लगती है। जब ये बात राजकुमारी गायत्री को पता चलती है तो वो गुस्से से फूटने लगती है। मैंने इतना सब किया लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। उसकी शादी अब मेरे पति से भी ज्यादा अमीर राजकुमार से होने वाली है, ऐसा कभी हो नहीं सकती। मैं दोबारा जाकर उसकी चेहरा खराब कर दूंगी। ऐसा सोच के राजकुमारी गायत्री फिर से अपने चेहरे पर काला कपड़े बांध के राजकुमारी इंदिरा को मारने जाती है। लेकिन जैसे ही वो इंदिरा पर हमला करने जाती है, राजकुमारी इंदिरा की जादुई तलवार उस पर हमला कर देती है।
और उसकी एक हाथ काट जाती है। ऐसे ही राजकुमारी गायत्री को अपने खेल की साजा मिल जाती है और राजकुमारी इंदिरा के धूमधाम से राजकुमार के साथ शादी हो जाती है और वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।